खबरों में आगे बढ़ती है। बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच अब कोविड को लेकर ही की जा रही कोरोना टेस्टिंग पर लगातार सवाल उठ रही है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जबकि एक ही व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आई है। राजस्थान के चीफ जस्टिस के साथ ऐसा वाकया हो चुका है और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक रोचक मामला भी निकलकर सामने आया है जो कि चिकित्सा विभाग की पोल खोलने के लिए काफी है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा के साथ एक हैरत अंगेज घटना घटी है जिसमें शर्मा की बिना कोविड जांच कराई ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। बता दें कि पिछले दिनों मालवीय नगर में कोविड जांच के लिए शिविर लगा था जिसमें शर्मा के परिवार के सदस्यों ने कोविड की जांच कराई थी, लेकिन व्रत होने की वजह से शर्मा ने टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सभी हतप्रत रह गए। परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और टेस्ट नहीं करवाने वाली सुमन शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसे लेकर शर्मा ने जांच पर सवाल उठाए हैं। शर्मा ने कहा कि मेरे पति के मोबाइल पर मैसेज आया था कि जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मुझे आश्चर्य के साथ गुस्सा भी आया, ऐसा लगा कि ये सारी टेस्टिंग फेक है। जिस व्यक्ति ने जांच ही नहीं कराई वो पॉजिटिव कैसे आ सकती है। मैंने चिकित्सक को फोन किया और सारा वाक्य बताया, वो अलग ही घबरा गए। अगले ही दिन वो कोविड की सूचना चस्पा करने आए तो मैंने मना कर दिया। शर्मा ने अपने तेवर के बारे में भी बताया और कहा कि मेरे तेवर ने भी कोविड टेस्ट कराया था, सरकारी जांच में वो पॉजिटिव आई, लेकिन हमने प्राइवेट टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आई है। आपको मैं बता दूं, आप अगर नॉर्मल हो सकता है मुझ में आके चला भी गया होगा, आप लोग में भी आके चला गया होगा, लेकिन जो डर होता है ना वो डर एकदम। इस घटनाक्रम के बाद सुमन शर्मा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर जमकर हमलावर है। शर्मा ने कहा कि मैं सीएम और चिकित्सा मंत्री से पूछना चाहती हूं कि राजस्थान में ये क्या तमाशा हो रहा है। राजस्थान की सरकारी संस्थाओं पर विश्वास करें या नहीं। शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है सब धोखा है, इस गड़बड़ झाले की जांच होनी चाहिए। एक ओर जहां राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आने लगी है, क्योंकि अब कोरोना की जाँच कराने के बिना ही व्यक्ति पॉजिटिव आने लगे हैं। दरअसल पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कोरोना की जांच ही नहीं कराई है, लेकिन बावजूद उसकी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। हालांकि उनके पूरे परिवार ने कोरोना की जांच कराई थी, लेकिन उनके देवर को छोड़कर सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन सुमन शर्मा ने कोरोना की जाँच ही नहीं कराई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। और मेडिकल विभाग की टीम भी उनके घर पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव का चस्पा करने भी पहुंची थी, जिसके बाद अब सुमन शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ झाली पर जमकर सवाल उठाए हैं और अशोक गहलोत सरकार को भी जमकर आड़े हाथों ले लिया है। सहयोगी रवि कुमार के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, जयपुर।